दोस्तों आज आप लोगों को बताने वाले हैं कुर्ती की कटिंग, यानी सिंपल कुर्ती में कटिंग स्टेप बाय स्टेप देखें, बिल्कुल भी आप स्किप ना करें और आपको बिल्कुल समझ में आएगी। यानी फुल फैट की कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों देखना है कि हमारा जो नाप है उसका नाप क्या है, उसी हिसाब से हमें इसे फोल्ड करके रखना है। तो ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ कुर्ती, कटिंग करने जा रहा हूँ, ये लड़की बहुत पतली है, उसी हिसाब की इसकी कटिंग है। इसमें हमें सिंपल कटिंग हम करने वाले हैं इसकी। तो इसके लिए हमें कम से कम कपड़ा मोड़ना होगा 11 इंच। पतली लड़की के लिए दोस्तों 11 इंच भी मोड़ सकते हो, मोटे के लिए 12, 12.5 और 13 इंच, जैसा साइज हो। मैं इसको मोड़ रखा है साइज के अकॉर्डिंग। तो ये साइज जो है पतला है, 28 इसका सीना है, 24 इसकी कमर है, ठीक है ना। तो इसको हमने 11 मोड़ लिया है। तो 11 मोड़ने के लिए फिर हम इसको भी 11 ही मोड़ लेंगे। ये नीचे का पल्ला था, ये मेरा दोस्तों ऊपर का पल्ला है, तो इसको हम मोड़ने वाले हैं 11। इसको भी, इसको क्या 11 दोस्तों मोड़ेंगे, इसको इसमें तो गला बना हुआ है, तो इसको सेंटर से तोड़ेंगे इसे। ये आप देख सकते हैं इस डिजाइन को सेंटर से तोड़ने के बाद इसको ऐसे फिट कर लेंगे। और डिजाइन हम गले से गला, जो डिजाइन है ये वाली नीचे वाले भाग की और इसकी डिजाइन हम मिला लेंगे। तो दोस्तों अब हम क्या करना है, दोनों पल्ले हमें बराबर करने हैं, क्योंकि नीचे तक हमें सेंटर में ही रखना है, क्योंकि ये भी सेंटर में यहाँ पे रखना पड़ता है जो नॉक होती है डिजाइन की। तो हाथों से इस पर फिरा लेते हैं, हाथ फिरा लेते हैं इससे ज़्यादा, क्योंकि मेरी इसमें सकड़न गायब हो जाती है, क्योंकि आयरन है नहीं मेरे पास इसलिए। नहीं तो आप प्रेस भी लगा के काट सकते हैं, जैसे आपके पास प्रेस हो तो उस पर लगा के आप काट सकते हैं। तो अभी मेरी सेंटर हमने मोड़ रखा था नीचे वाला पल्ले का, तो अब इसको इसी सेंटर पे मिलाएंगे। यह देखो मैंने इसको इसी किनारे पे मिला के इसको रख लिया, ये आप देख सकते हैं इसको इसी पे मिला लिया। और इधर भी मेरा दोस्तों बराबर आ गया गला, और यह से यहाँ से बीच में सेंटर आ गया, और ये भाई हमारा बराबर आ गया। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी आप इसको गलत कर देंगे तो डिजाइन जो मेरे गले की है वो आउट हो जाएगी, और हमारी पूरे गले की जो सेंटर है गड़बड़ हो जाएगा। इसको ही नहीं करना है दोस्तों, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से लेके इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है हमें जब भी हम कटिंग करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारी लंबाई हो रही है 37 इंच। तो 37 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हम गला जो हमें रखना है जितना हम उतना ही रखेंगे, क्योंकि हमें गला 6 इंच का रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 6 इंच आ रहा है, 6 पे ये वाला निशान लगाते हैं हम, और आर्म होल वाला हम लगाएंगे इसमें 6.5 पे, और दोस्तों दूसरा लगाएंगे हम 20 इंच पे। तो अब यहाँ से भी हम एक बार ट्राई कर लेंगे, ये हमारा 20 पे लग गया, ये हम यहाँ पे लगाते हैं 13 पे। तो अब यहाँ से फिर आप देख सकते हैं ये मेरा 13 पे आ गया और ये 6.5 पे आ गया। तो दोस्तों आगे हम निशान लगाते हैं। अब इसको हम इन जो मार्क लगाए हैं इनको स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये पतली लड़की है दोस्तों फ्रेंड्स, तो हम उसी हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने निशान लगा के रेडी कर लिए हैं, इतना मेरा दोस्तों काम हो चुका है। अब हमें इसकी फिटिंग देनी है। तो 28 इंच मेरा सीना है, आप देख सकते हैं 28 में 4 इंच इसमें ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 32 का आधा होता है 16, खुला का आधा आता है, आधा होता है 4, वो 8,
तो हम ये वाला निशान लगाएंगे दोस्तों 8.1 पर, और ये हम लगाएंगे ऊपर कंधी का 6.5 पर, क्योंकि हम गला इसी में काटने वाले, नहीं तो 6 पे निशान लगाते, और ये हम 6 पे लगा देंगे यहाँ पे आरमोल वाला नीचे वाला। ठीक है, फिटिंग हमारी आई गई है 8.1। अब हमारा 24 इंच कमर है, 24 इंच कमर में 2 इंच ऐड करेंगे, 26 हो जाएगा, 13 × 26 6.5। तो ये वाले निशान लगाने वाले हम 6.5 पे, ठीक है, यानी 24 × 2 = 26। 2 इंच हम कमर पे ऐड करते हैं और सीना पे हम 4 इंच ऐड करते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। तो 2 इंच हमने जब ऐड किया तो 26 हो गया, 26 का आधा 13 हो गया, 13 का आधा हो गया 6.5। तो 6.5 पे हमने ये वाला निशान लगा दिया दोस्तों। ठीक है, अब हमें हिप देखनी है, हिप पे हमें कितना निशान लगाना है। तो हिप पे हमने निशान लगाया था दोस्तों 32 × 8 = 32, यानी सीना जो था उतना। तो अब हमें फिटिंग के लिए दोस्तों हमें लगाना होगा यानी 7.25 पर यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमें थोड़ा लूज रखना है तो 8 पे सीना और कमर बराबर कर देंगे। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है आपको, हम बेर बेर यही बात बता रहे हैं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे फिटिंग हमें देनी है, तो हम इस पे 7.25 पे ये निशान लगा देते हैं। तो अब इसको इन लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, यानी मिला देते हैं जो हमने निशान लगाए रखे हैं फिटिंग के उन तक। तो आप देख सकते हैं इनको हमने मिला दिया फिटिंग से फिटिंग, इतना मेरा लकी निशान रेडी हो गया। और यहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे, 1 इंच इसमें फिर गुलाई देंगे ऊपर के पल्ले में, और नीचे के पल्ले में दोस्तों क्या करना होता है, इतना एक्स्ट्रा हमें देना पड़ता है। ठीक है, अब जो हमें इसका रखना है दोस्तों घेर, घेर हम क्या रखेंगे, आप लंबाई देख लेते हैं, लंबाई मेरी आ गई 37, ठीक है ना दोस्तों, 37 हमारी लंबाई है। तो 37 पे हम निशान लगा देते हैं इसमें। अब मुड़ेगा तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम 38 पे निशान लगा देते हैं, ये वाला यहाँ 38 पे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 38 पे निशान लगा दिया। इसका हमें जो गियर रखना है दोस्तों वो रखेंगे 21 इंच, यानी इसमें 21 इंच रखेंगे तो ये हमारा 18 इंच रह जाएगा और चला जाएगा इसमें दबने में। ये देखो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया, और स्केल की मदद से इसको सीधा कर दिया दोस्तों। ये जो है ना मुड़ने के बाद करीब 1-1 इंच अगर ये चला भी जाता है, 1.5 इंच 1 इंच ही मान लेते हैं, तब भी हमारा ये रह जाएगा यानी 19 इंच गेयर रह जाएगा रेडी। ठीक है ना दोस्तों, इतना हमारा काम हो चुका है। तो इसके लिए हमें इतना, आप देख सकते हैं हम इसमें दोस्तों जो मार्जिन देंगे 2 इंच का देंगे, कर रेडी देखिए बाई चांस इसमें जो मार्जिन देते हैं हम 2 इंच का देते हैं, 2 इंच इधर दे दिया और 2 इंच यहाँ तक दे दिया। अब आप देख सकते हैं बहुत क्लियर से ये निशान आपको समझ में आने लगे होंगे। तो दोस्तों आप करते हैं आगे कटिंग, गला में इसी में करना है, एक तो गला मेरा ये आ जाएगा और दूसरा इसके नीचे वाला यहीं तक पीछे से छोटा लेंगे। तो करते हैं दोस्तों कटिंग, जब तक दोस्तों हम कटिंग कर रहे हैं, आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अब हमने ये शोल्डर काट रखा है कंधी, यानी हम दोस्तों यहाँ तक लेके आए हैं जहाँ से हमने मार्जिन छोड़ रखा है, अब इस मार्जिन पर ही हमें काटना है। तो मार्जिन तक हमने दोस्तों काट लिया, इतना मेरा काम कटिंग होके रेडी हो गया। इतना एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको हम हटा के साइड पे रख लेते हैं, और ये हमारा जो एक्स्ट्रा निकला है टेढ़ा वेढ़ा कपड़ा, इसको भी हम छांट के अलग कर देंगे। इतना भी दोस्तों हमने ये कपड़ा अलग कर दिया, आप देख सकते हैं अभी तो मेरी इतनी कटिंग हो चुकी है। अब मुझे करना है ये आरमोल की कटिंग। तो दोस्तों आप काटते हैं आरमोल, इस पर विशेष ध्यान रखना है, लोग यहीं पर अक्सर गलती कर जाते हैं।
तो हमें सबसे पहले करना है क्या, आगे वाले पल्ले की कटिंग। तो आप देख सकते हैं नीचे का हमने छोड़ दिया, इसको पकड़ा, तो आगे का हम करेंगे ये यहाँ पे। आगे का हम जो करने वाले हैं कटिंग, आप देख सकते हैं विशेष ध्यान रखना है दोस्तों इस बात का, दोनों पल्ले हम प्यार से आराम से पकड़ेंगे, नहीं तो नीचे का भी कट जाए धोखे में भाई। तो ये हमने इतना हटा दिया आगे का, अब जो इतना एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हमें दोस्तों यहाँ से करना है, इतना मार्जिन छोड़ना है करीब आधा इंच का, इसमें भी हम गुलाई दे देते हैं। देख सकते हैं हमारी ये कटिंग इतनी फिलहाल रेडी हो गई है। अब मुझे काटना है इसमें बैक में गला, यानी आगे तो हम इतना पूरा निकालेंगे तो हम बैक में काट देते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे कट लगा देते हैं छोटे से, और यहाँ से हम देख लेंगे जितना हमें बड़ा गला रखना है उतना बड़ा इसमें काट देंगे, हमें इसमें छोटे ही से रखना है। तो हमने ये काट के रेडी कर दिया दोस्तों, ये हमारे कुर्ते की कटिंग इतनी हो चुकी है। अब मुझे काटनी है बाजू, ठीक है दोस्तों। तो हम ये काम भी कर देते हैं, ये हम कट मार देते हैं और नीचे वाले पल्ले में भी निशान लगा देते हैं। इससे दोस्तों हमारे पल्ले दोनों पल्लों की फिटिंग जो है बराबर रहेगी, इधर उधर नहीं रहेगी। अब ये आप देख सकते हैं फिटिंग के भी निशान लग गए नीचे। अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं दोस्तों और हम काट लेते हैं बाजू। बाजू हमारी 18 इंच की दोस्तों है, और बाजू जब भी कटती है दोस्तों बैक पल्ले से बाजू कटती है, तो बैक पल्ला हमारा ये बचा है इतना एक्स्ट्रा कपड़ा, तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये फोल्ड करने के बाद इसको, ये डबल में फोल्ड हो गया, आपको इसको एक बार और मोड़ देंगे इस तरीके से। ये मुड़ गया, विशेष ध्यान रखना है आपको इस तरीके से ही कटिंग करनी है। अब हमें ये देखना है हमें बाजू काटनी कैसे, हमारी बाजू 18 इंच की है तो हमारी आराम से इसमें बाजू निकल आएगी। तो अब हम काटते हैं बाजू, आप देख सकते हैं इतने यहाँ से हम गोलाई ले जाके हमने इसको इस तरीके से कर दिया। अब ये मेरा 28 इंच सीना था, अब इसको हम 7 से, इसको 5 × 28 यानी 7 से हमने ये रखा आपको इसको, और यहाँ पे 7 पे निशान लगा दिया, 5 × 28 यानी 28 सीना है, इसको 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं, 18 है तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा करके, क्योंकि मुड़ेगा इधर हमारा मुड़ जाएगा और इधर भी दबाव में चला जाएगा, तो हम पहले तो ये 18 पे लग गया और 1 इंच एक्स्ट्रा और इसको लेके अब इसको काटते हैं। और हमारी मोहरी है 7 इंच, ये 3.5 पे हमने निशान यहाँ पे लगा दिया। ये अब एक स्केल, बड़े स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने निशान लगाई है। आप देख सकते हैं ये हमारा निशान लग के रेडी हो गया स्लिप का। अब इतना इसमें भी मार्जिन छोड़ेंगे तो एक स्केल इसकी करीब 1.5 इंच का मार्जिन लेके इसको भी काट देते हैं। तो दोस्तों ये हमने बाजू भी काट के रेडी हो गए, इसमें दे देते हैं खोलने के बाद इसमें गोलाई। किसी को अब बॉर्डर लगाना है या ऐसी प्लान बनाना है, किसी किसी को बॉर्डर पसंद होता है तो बॉर्डर लगा लेता है, किसी को ऐसी पसंद होता है ऐसी बना देता है, हम इसमें बॉर्डर लगवा देंगे। तो अब इसको हमने खोला, जब खोलने के बाद हम इसमें गोलाई दे देंगे करीब 1 इंच की, इसे फिर दोबारा बंद करेंगे, दोबारा बंद करके इसको बराबर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। ये हमारी दोस्तों कुर्ते की कटिंग पूरी रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों आज आप लोगों को बताने वाले हैं कुर्ती की कटिंग, यानी सिंपल कुर्ती में कटिंग स्टेप बाय स्टेप देखें, बिल्कुल भी आप स्किप ना करें और आपको बिल्कुल समझ में आएगी। यानी फुल फैट, हम फुल फैट की कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों देखना है कि हमारा जो नाप है उसका नाप क्या है, उसी हिसाब से हमें इसे फोल्ड करके रखना है। तो ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ कुर्ती, कटिंग करने जा रहा हूँ, ये लड़की बहुत पतली है उसी हिसाब की इसकी कटिंग है। इसमें मैं सिंपल कटिंग हम करने वाले हैं इसकी,
तो इसके लिए हमें कम से कम कपड़ा मोड़ना होगा 11 इंच। पतली लड़की के लिए दोस्तों 11 इंच भी मोड़ सकते हो, मोटे के लिए 12, 12.5 और 13 इंच, जैसा साइज हो। मैं इसको मोड़ रखा है साइज के अकॉर्डिंग। तो ये साइज जो है पतला है, 28 इसका सीना है, 24 इसकी कमर है, ठीक है ना। तो इसको हमने 11 मोड़ लिया है, तो 11 मोड़ने के लिए फिर हम इसको भी 11 ही मोड़ लेंगे। ये नीचे का पल्ला था, ये मेरा दोस्तों ऊपर का पल्ला है, तो इसको हम मोड़ने वाले हैं 11। इसको भी, इसको क्या 11 दोस्तों मोड़ेंगे, इसको इसमें तो गला बना हुआ है, तो इसको सेंटर से तोड़ेंगे इसे। ये आप देख सकते हैं, इस डिजाइन को सेंटर से तोड़ने के बाद इसको ऐसे फिट कर लेंगे, और डिजाइन हम गले से गला, जो डिजाइन है ये वाली नीचे वाली बाकी, और इसकी डिजाइन हम मिला लेंगे। तो दोस्तों अब हम क्या करना है, दोनों पल्ले हमें बराबर करने हैं, क्योंकि नीचे तक हमें सेंटर में ही रखना है, क्योंकि ये भी सेंटर में यहाँ पे रखना पड़ता है जो नॉक होती है डिजाइन की। तो हाथों से इस पर फिरा लेते हैं, हाथ फिरा लेते हैं इससे ज़्यादा, क्योंकि मेरी इसमें सकड़न गायब हो जाती है, क्योंकि आयरन है नहीं मेरे पास इसलिए। नहीं तो आप प्रेस भी लगा के काट सकते हैं, जैसे आपके पास प्रेस हो तो उस पर लगा के आप काट सकते हैं। तो अभी मेरी सेंटर हमने मोड़ रखा था नीचे वाला पल्ले का, तो अब इसको इसी सेंटर पे मिलाएंगे। यह देखो मैंने इसको इसी किनारे पे मिला के इसको रख लिया, ये आप देख सकते हैं, इसको इसी पे मिला लिया। और इधर भी मेरा दोस्तों बराबर आ गया गला, और यह से यहाँ से बीच में सेंटर आ गया, और ये भाई हमारा बराबर आ गया। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, ये कभी भी आप इसको गलत कर देंगे तो डिजाइन जो मेरे गले की है वो आउट हो जाएगी, और हमारी पूरे गले की जो सेंटर है गड़बड़ हो जाएगा। इसको ही नहीं करना है दोस्तों, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से लेके इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है हमें जब भी हम कटिंग करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारी लंबाई हो रही है 37 इंच, तो 37 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे दोस्तों। यहाँ से हम गला जो हमें रखना है जितना हम उतना ही रखेंगे, क्योंकि हमें गला 6 इंच का रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा 6 इंच आ रहा है, 6 पे ये वाला निशान लगाते हैं हम, और आर्म होल वाला हम लगाएंगे इसमें 6.5 पे, और दोस्तों दूसरा लगाएंगे हम 20 इंच पे। तो अब यहाँ से भी हम एक बार ट्राई कर लेंगे, ये हमारा 20 पे लग गया, ये हम यहाँ पे लगाते हैं 13 पे। तो अब यहाँ से फिर आप देख सकते हैं ये मेरा 13 पे आ गया, और ये 6.5 पे आ गया। तो दोस्तों आगे हम निशान लगाते हैं, अब इसको हम इन जो मार्क लगाए हैं इनको स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये पतली लड़की है दोस्तों फ्रेंड्स, तो हम उसी हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने निशान लगा के रेडी कर लिए हैं, इतना मेरा दोस्तों काम हो चुका है, अब हमें इसकी फिटिंग देनी है। तो 28 इंच मेरा सीना है, आप देख सकते हैं 28 में 4 इंच इसमें ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 32 का आधा होता है 16, 16 का आधा होता है 4, वो 8। तो हम ये वाला निशान लगाएंगे दोस्तों 8.1 पर, और ये हम लगाएंगे ऊपर कंधी का 6.5 पर, क्योंकि हम गला इसी में काटने वाले, नहीं तो 6 पे निशान लगाते, और ये हम 6 पे लगा देंगे यहाँ पे आर्म होल वाला नीचे वाला। ठीक है, फिटिंग हमारी आई गई है 8.1। अब हमारा 24 इंच कमर है, 24 इंच कमर में 2 इंच ऐड करेंगे, 26 हो जाएगा, 13 × 26 6.5। तो ये वाले निशान लगाने वाले हम 6.5 पे, ठीक है, यानी 24 × 26
दो इंच हम कमर पे ऐड करते हैं और सीना पे हम 4 इंच ऐड करते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। तो 2 इंच हमने जब ऐड किया तो 26 हो गया, 26 का आधा 13 हो गया, 13 का आधा हो गया 6.5, तो 6.5 पे हमने ये वाला निफान लगा दिया दोस्तों। ठीक है, अब हमें हिप देखनी है, हिप पे हमें कितना निफान लगाना है। तो हिप पे हमने निफान लगाया था दोस्तों 32, 8 × 32 यानी सीना जो था उतना। तो अब हमें फिटिंग के लिए दोस्तों हमें लगाना होगा यानी 7.25 पर यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमें थोड़ा लूज रखना है तो 8 पे सीना और कमर बराबर कर देंगे। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है आपको, हम बेर बेर यही बात बता रहे हैं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे फिटिंग हमें देनी है, तो हम इस पे 7.25 पे ये निफान लगा देते हैं। तो अब इसको इन लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यानी मिला देते हैं जो हमने निफान लगाए रखे हैं फिटिंग के उनसे। तो आप देख सकते हैं इनको हमने मिला दिया फिटिंग से फिटिंग, इतना मेरा लकी निफान रेडी हो गया। और यहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे, 1 इंच इसमें फिर गुलाई देंगे ऊपर के पल्ले में, और नीचे के पल्ले में दोस्तों क्या करना होता है, इतना एक्स्ट्रा हमें देना पड़ता है, ठीक है। अब जो हमें इसका रखना है दोस्तों घेर, घेर हम क्या रखेंगे, आप लंबाई देख लेते हैं, लंबाई मेरी आ गई 37, ठीक है ना दोस्तों, 37 हमारी लंबाई है। तो 37 पे हम निफान लगा देते हैं इसमें। अब मुड़ेगा तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम 38 पे निफान लगा देते हैं, ये वाला यहाँ 38 पे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 38 पे निफान लगा दिया। इसका हमें जो गियर रखना है दोस्तों वो रखेंगे 21 इंच, यानी इसमें 21 इंच रखेंगे तो ये हमारा 18 इंच रह जाएगा और चला जाएगा इसमें दबने में। ये देखो हमने यहाँ पे निफान लगा दिया और स्केल की मदद से इसको सीधा कर दिया दोस्तों। ये जो है ना मुड़ने के बाद करीब 1-1 इंच अगर ये चला भी जाता है, 1.5 इंच 1 इंच ही मान लेते हैं, तब भी हमारा ये रह जाएगा यानी 19 इंच गेयर रह जाएगा रेडी, ठीक है ना दोस्तों। इतना हमारा काम हो चुका है, तो इसके लिए हमें इतना आप देख सकते हैं हम इसमें दोस्तों जो मार्जिन देंगे 2 इंच का देंगे, कर रेडी देखिए बाई चांस इसमें जो मार्जिन देते हैं हम 2 इंच का देते हैं, 2 इंच इधर दे दिया और 2 इंच यहाँ तक दे दिया। अब आप देख सकते हैं बहुत क्लियर से ये निफान आपको समझ में आने लगे होंगे। तो दोस्तों आप करते हैं आगे कटिंग, तो गला में इसी में करना है, एक तो गला मेरा ये आ जाएगा और दूसरा इसके नीचे वाला यहीं तक पीछे से छोटा लेंगे। तो करते हैं दोस्तों कटिंग, जब तक दोस्तों हम कटिंग कर रहे हैं, आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अब हमने ये शोल्डर काट रखा है कंधी यानी, अब हम दोस्तों यहाँ तक लेके आए हैं जहाँ से हमने मार्जिन छोड़ रखा है, अब इस मार्जिन पर ही हमें काटना है। तो मार्जिन तक हमने दोस्तों काट लिया, इतना मेरा काम कटिंग होके रेडी हो गया। इतना एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम हटा के साइड पे रख लेते हैं, और ये हमारा जो एक्स्ट्रा निकला है टेढ़ा वेढ़ा कपड़ा इसको भी हम छांट के अलग कर देंगे। इतना भी दोस्तों हमने ये कपड़ा अलग कर दिया, आप देख सकते हैं अभी तो मेरी इतनी कटिंग हो चुकी है। अब मुझे करना है ये आरमोल की कटिंग, तो दोस्तों आप काटते हैं आरमोल, इस पर विशेष ध्यान रखना है, लोग यहीं पर अक्सर गलती कर जाते हैं। तो हमें सबसे पहले करना है क्या, आगे वाले पल्ले की कटिंग। तो आप देख सकते हैं नीचे का हमने छोड़ दिया, इसको पकड़ा, तो आगे का हम करेंगे ये यहाँ पे, आगे का हम जो करने वाले हैं कटिंग, आप देख सकते हैं विशेष ध्यान रखना है दोस्तों इस बात का, दोनों पल्ले हम प्यार से आराम से पकड़ेंगे, नहीं तो नीचे का भी कट जाए धोखे में भाई। तो ये हमने इतना हटा दिया आगे का, अब जो इतना एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हमें दोस्तों यहाँ से करना है।
इतना मार्जिन छोड़ना है करीब आधा इंच का, इसमें भी हम गुलाई दे देते हैं। देख सकते हैं हमारी ये कटिंग इतनी फिलहाल रेडी हो गई है। अब मुझे काटना है इसमें बैक में गला, यानी आगे तो हम इतना पूरा निकालेंगे तो हम बैक में काट देते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे कट लगा देते हैं छोटे से, और यहाँ से हम देख लेंगे जितना हमें बड़ा गला रखना है उतना बड़ा इसमें काट देंगे। हमें इसमें छोटे ही से रखना है, तो हमने ये काट के रेडी कर दिया दोस्तों। ये हमारे कुर्ते की कटिंग इतनी हो चुकी है, अब मुझे काटनी है बाजू। ठीक है दोस्तों, तो हम ये काम भी कर देते हैं, ये हम कट मार देते हैं और नीचे वाले पल्ले में भी निशान लगा देते हैं। इससे दोस्तों हमारे पल्ले दोनों पल्लों की फिटिंग जो है बराबर रहेगी, इधर उधर नहीं रहेगी। अब ये आप देख सकते हैं फिटिंग के भी निशान लग गए नीचे। अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं दोस्तों, और हम काट लेते हैं बाजू। बाजू हमारी 18 इंच की दोस्तों है, और बाजू जब भी कटती है दोस्तों बैक पल्ले से बाजू कटती है, तो बैक पल्ला हमारा ये बचा है इतना एक्स्ट्रा कपड़ा, तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये फोल्ड करने के बाद इसको, ये डबल में फोल्ड हो गया, आपको इसको एक बार और मोड़ देंगे इस तरीके से। ये मुड़ गया, विशेष ध्यान रखना है आपको इस तरीके से ही कटिंग करनी है। अब हमें ये देखना है हमें बाजू काटनी कैसी है। हमारी बाजू 18 इंच की है, तो हमारी आराम से इसमें बाजू निकल आएगी। तो अब हम काटते हैं बाजू। आप देख सकते हैं इतने यहाँ से हम गोलाई ले जाके हमने इसको इस तरीके से कर दिया। अब ये मेरा 28 इंच सीना था, अब इसको हम 7 से, इसको 5 × 28 यानी 7 से हमने ये रखा आपको इसको, और यहाँ पे 7 पे निशान लगा दिया। 5 × 28 यानी 28 सीना है, इसको 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं, 18 है तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा करके, क्योंकि मुड़ेगा इधर हमारा मुड़ जाएगा और इधर भी दबाव में चला जाएगा, तो हम पहले तो ये 18 पे लग गया और 1 इंच एक्स्ट्रा और इसको लेके अब इसको काटते हैं। और हमारी मोहरी है 7 इंच, ये 3.5 पे हमने निशान यहाँ पे लगा दिया। ये अब एक स्केल बड़े स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने निशान लगाई है। आप देख सकते हैं ये हमारा निशान लग के रेडी हो गया स्लिप का। अब इतना इसमें भी मार्जिन छोड़ेंगे, तो एक स्केल इसकी करीब 1.5 इंच का मार्जिन लेके इसको भी काट देते हैं। तो दोस्तों ये हमने बाजू भी काट के रेडी हो गए, इसमें दे देते हैं खोलने के बाद इसमें गोलाई। किसी को अब बॉर्डर लगाना है या ऐसी प्लान बनाना है, किसी किसी को बॉर्डर पसंद होता है तो बॉर्डर लगा लेता है, किसी को ऐसी पसंद होता है ऐसी बना देता है, हम इसमें बॉर्डर लगवा देंगे। तो अब इसको हमने खोला, जब खोलने के बाद हम इसमें गोलाई दे देंगे करीब 1 इंच की। इसे फिर दोबारा बंद करेंगे, दोबारा बंद करके इसको बराबर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। ये हमारी दोस्तों कुर्ते की कटिंग पूरी रेडी हो चुकी है।